लखनऊ का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ पर हम नहीं गए हों। हम पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं, हमारे समाज के नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, हर जगह गए हैं हम। लेकिन हम हिंदू नहीं हैं, वी आर नॉट हिंदू, वी आर दलित एंड बैकवर्ड, इट्स माई आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान बना दी है। मैं सबसे ज्यादा तीखा प्रहार मैं उन विपक्षी नेताओं को करना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को, कि जैसे वो विरोधी जो नेता हैं वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं यादव होके हम लोग का क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। वहाँ बंगाल में जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है ये लोग बीजेपी वाले वहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ के नेता मर गए हैं? यादव जो यहाँ ओबीसी एससी के नेता है वो क्या मर गए हैं? एक है, आप शायद जान रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, और जो बेरोजगार हैं, जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए यहाँ पे अपना न्याय मांगने के लिए आते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। हमें नियुक्ति पत्र दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त SCRT के बाहर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है ना, ये भारी तादाद में यहां पर कुछ लेने आई है, और वो ऐसी चीज़ लेने आई है जिसे देने से सरकार इनकार कर सकती है, वो है नौकरी, रोज़गार, आगे की उन्नति, आगे का सिस्टम, यानी ये लेने ये लोग आए हुए हैं, लेकिन इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है वो कौन, यानी सरकार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से सरकार ने पेपरों में दिखा दिया मैंने नौकरी दिया है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़कों पर घूमते नजर आएंगे, लेकिन सरकार बहलाने के लिए उन्हें नौकरी दे देती है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं देती है। ये कौन लोग हैं? लगातार रेगुलर मैं आपको अपने चैनल पर दिखाता हूँ, ये 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर लाठी डंडे हर बल का उपयोग किया जा चुका है, लेकिन आज भी इन्हें नौकरी से महरूम रखा गया, यानी नियुक्ति पत्र से महरूम रखा गया है, दूर रखा गया है। हमारे पास वीर भाई मौजूद हैं, वीर भाई इधर आ जाइए जरा से, थोड़ा से आप भी आ जाइए। मैम, ये आप लोग आज फिर आए हैं, क्या आश्वासन हुए या उसी तरीके से फिर आपको जो है गोला दे दिया गया? फिर से वही गोला दे दिया गया जो बार बार हमें दिया जा रहा है। सर, ये दुर्भाग्य है हमारा कि न जाने कौन सा ऐसा हमने पाप कर रखा हुआ है कि हम इसी प्रदेश के युवा हैं और इसी प्रदेश के चयनित शिक्षक हैं, लेकिन जनवरी की वो 5 तारीख और आज अगस्त का पहला चौथा दिन लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लखनऊ का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ पर हम नहीं गए हों। हम पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं, हमारे समाज के नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, हर जगह गए हैं हम, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम अधिकारियों के पास आते हैं तो बताते हैं मामला आपका कोर्ट में है, लेकिन सर आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में है, लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा मामला आया है कोर्ट में तो ये बार बार ये बात करके निकल जाते हैं कि आपका मामला कोर्ट में है। कोर्ट से कोई स्टे नहीं है, ये नियुक्ता होती है सरकार, जब चाहे नियुक्ति हमें दे सकती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा समाज, दलित समाज आगे जाए और नौकरी करे। अच्छा, शासन तो मान लीजिए नौकरी नहीं दे रहे, प्रशासन का रवैया आपके साथ कैसा हो रहा है? सर वही तो बता रहे हैं, दोनों की मिली भगत है। आप सोचिए अगर शासन के लोग हमारे साथ होते तो इनकी इतनी बिसात नहीं कि हमें नौकरी नहीं दे, लेकिन वहाँ भी ढीला हिला हवाई मामला है। जो हमारे समाज के नेता बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, वो हैं तो हमारे समाज के, लेकिन वो गुलामी कर रहे हैं। अच्छा, एक शब्द जो बहुत लोगों के दिल को झंझोर देता है वो शब्द ये है, पिछड़े दलितों की, यही फुकार, यानी पिछड़े दलितों की। तो दलित होना क्या पाप है भारत देश के अंदर? सर आज से 1 साल पहले हमें लगता था कि हम हिंदू हैं, सच्चाई में बताऊं कि मैं हिंदू हूं, ऐसा मुझे 1 साल पहले लगता था, लेकिन हमारी दिवाली यहां बीत गई, हमारी होली यहां बीत गई, रक्षाबंधन यहां बीत गया हमारा, तो हमें इस बात का एहसास कराया गया कि यू आर नॉट हिंदू, यू आर दलित, पिछड़े, बैकवर्ड। आप अगर हिंदू होते तो आप रक्षाबंधन अपनी बहन के साथ राखी मना रहे होते, आप अगर हिंदू होते तो आप होली पर रंग खेल रहे होते, अगर आप हिंदू होते तो आप दिवाली पर दीपक जला रहे होते, लेकिन हम हिंदू नहीं है, वी आर नॉट हिंदू, वी आर दलित एंड बैकवर्ड, इट्स माई आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान बना दी है, इस बीजेपी सरकार ने बना दी है। इससे पहले हमें लगता था कि हम हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया हमें बार बार, हमारे ज़मीर को ललकार कर, हमें बार बार प्रताड़ित कर, हमें नौकरी से दूर रख कर इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है, मानसिक पीड़ा दी है,
ये चेहरा आपको देख के पता चल रहा होगा हम लोग कितना परेशान है, पिछले 2 साल संघर्ष कर रहे हैं। यही बात नहीं समझ में आ रहा है, दलितों के ठेकेदार बहुत सारे हैं जो ठेकेदारी का ठेका लेते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? ये ठेकेदारी केवल वोटों की है, जब चुनाव होता है तो दलित नेता निकल कर बाहर आ जाते हैं, जब चुनाव होता है तो पिछड़े के बड़े बड़े नेता निकल कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकार की बात आती है, हमारे सम्मान की बात आती है, हमारे पद को देने की बात आती है, हमारी नियुक्ति की बात आती है, तो हमारे समाज के जितने भी नेता हैं उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, उनकी आवाज नहीं खुलती है, उन्हें अपनी कुर्सी का डर सताता है कि अगर जिस दिन हम पिछड़ों के लिए बोल देंगे, जिस दिन हम दलितों के लिए बोल देंगे, हमारी कुर्सी हमसे छीन ली जाएगी। नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैं लगातार रेगुलर यही देख रहा हूँ, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे अपने आप को ठेकेदार कहते हैं कि हम इस समाज के रखवाले हैं, इस समाज के समर्थक हमारे मौजूद हैं, और उनके ही दम पर वो बीजेपी में भागीदारी का जो है हुंकार भरते हैं। सर, मैं एक यादव समाज से आता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी इस बात को कि मेरे पापा पक्के सपाई हैं, लेकिन जब चुनाव का दौर चल रहा था तो उनके मन में ये बात आई कि हमारे बेटे को नियुक्ति मिलने वाली है और भाजपा सरकार की नौकरी दी हुई है तो हम भाजपा को वोट करेंगे। उसके बाद मेरे कहने पे मेरे परिवार ने, मेरे पूरे गांव ने सबको वोट करा और दोबारा मुख्यमंत्री जी रिपीट हुए। मेरे पापा एक दिन कहते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री ये बताइए कि कोई अगर अपने समाज से बन जाएगा तो क्या होगा। हमने कहा पापा वो बुलाएंगे और हमको बैठा कर सम्मानित करेंगे और नियुक्ति देंगे। अब तो आपके समाज के संदीप हैं। ये कहानी सुनिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जो शिक्षा मंत्री थे मान सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने हमारा हक खाया था, हमने संघर्ष किया 8 महीना, हमें नौकरी चयन हमारा नाम आया लिस्ट में, तो हमें ये लगता था कि अगर हमारे किस समाज का शिक्षा मंत्री आएगा तो जो संघर्ष जो पीड़ा हमने सही है, जो धिक्कार हमने सहा है, वो हमें नहीं सहना पड़ेगा। जिस दिन संदीप सिंह लोधी, जिनके बाबा कहते थे कि आरक्षण हमारा जनसिद्ध अधिकार है, अगर कोई छीने तो थप्पड़ मार के वापस ले लो, जिस दिन वो शिक्षा मंत्री बने हमारा जो सीना था वो चौड़ा हो गया, बहुत तेज चौड़ा हुआ, जगह जगह पर लग रहा निकल के भागने लगा खुशी से। अब शिक्षा मंत्री हमारे समाज से है, अब हमारा हक नहीं मारा जाएगा। हम लोग एकदम फूल के गाजर हो गए थे, चुनाव बीत गया, मुख्यमंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, पद भी ले लिए, 100 दिन का इनका टारगेट पूरा हो गया, लेकिन अगर बात नहीं हुई तो हमारी नियुक्ति पर कोई बात नहीं हुई। आज शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम देख रहे हैं आपका मामला, आपका बस देख रहे हैं बारीकी से, अधिकारियों को फोन करते हैं कि देख लीजिए। एक बार मैं अधिकारी से बात कर रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे समाज के लोग भले हैं, वो ये कहते हैं देख लो, ये नहीं कहते हैं कर दो, देख लो और कर देने में अंतर होता है। अच्छा, कहते हैं देख लो, कर दो नहीं कहते हैं। अधिकारी ने स्पष्ट कहा इस बात को कि देख लो और कर दो, इसमें अंतर होता है। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि इनके बच्चों को नियुक्ति दो, नियुक्ति करो, यही कहते हैं कि देख लो, हम देख लेते हैं और तुमको वापस कर देते हैं। चलिए, मैं और भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इधर आप आ जाइए, ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, और महिलाएं जो है अपनी बात को लेकर जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, और वो क्या सोच रही हैं इस पर। मैम, ये आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं, कई दिनों से आपको मैंने प्रदर्शन करते हुए देखा है, प्रदर्शन के बाद सरकार की आंखें खुली, आपको नौकरी दिया लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी कोर्ट का हवाला दे देते हैं कि कोर्ट में आपका मामला लंबित है। अगर अधिकारी चाहें तो हमें कोर्ट से बाहर नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि करीब 69,000 में 6 से 7,000 सीटें अभी भी बकाया है, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे हैं हमें नियुक्ति देना। कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या सर? कारण सबसे मेन कारण तो हमें यही समझ में आ रहा है कि हम लोग दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं, अगर हम लोग भी जनरल के होते तो एक दिन में नियुक्ति उनके जैसे हमें भी मिल गई होती। अच्छा, एक बात, क्या नाम लिखती हैं आप? प्रियंका। पूरा नाम बताइए। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, आप लोगों के नाम पर, आपके जाति के नाम पर कुछ लोग हैं जो वोट मांगते हैं और कहते हैं ये समाज जो है मेरे पीछे खड़ा है, तो उन ठेकेदारों के लिए भी कुछ कहेंगे क्या आप? जी सर, वो ठेकेदार को हम लोग तभी याद आते हैं जब उनको
सर पे, उनके सर पे चुनाव होता है, हम लोग केवल वोट बैंक है उनके लिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम भी ये कहना चाहते हैं कि दलित पिछड़े जो अभ्यर्थी हैं वो जाग रहे हैं, अब दलित पिछड़े नेता के नाम चाह रहे हैं क्या? देखिए ये जब बात कर रहे थे तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है शब्द क्या है? मैं सबसे ज़्यादा तीखा प्रहार मैं उन विपक्षी नेताओं को करना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को, कि जैसे वो विरोधी जो नेता हैं वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं यादव होके हम लोग का क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? ये लोग हम लोग जब कहीं यादव लगा के जाते हैं तो कहते हैं अखिलेश यादव से लो, क्यों नहीं अखिलेश यादव इन पर कर रहे हैं? वहाँ बंगाल में जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है ये लोग बीजेपी वाले वहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बीजेपी नेता वो दिए हैं बीजेपी वाले बंगाल में। सर क्या यहाँ के नेता मर गए हैं? यादव जो यहाँ ओबीसी एस सी के नेता है वो क्या मर गए हैं? जितने पिछड़े और दलित के नेता है क्या मर गए हैं? हमारी आवाज नहीं उठा सकते वो, सबसे बड़े अखिलेश यादव को सीएम बनाते तब आपके साथ खड़े होते ना। सर लेकिन अब विपक्ष वो है, कुछ तो है, वो बोल तो सकते हैं, विधानसभा चल रही तो वहाँ क्यों नहीं बोले? कोई नहीं बोलता है सर। यहाँ वो जो यहाँ के जो वो नेता है बीजेपी वाले बंगाल में है वो उनपे परेशान किए हैं कि ये घोटाला किए, ये बीजेपी वाले वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि ये अखिलेश उनके बंगाल ममता बनर्जी के वो जो है घोटाला किए। लेकिन ये बताएं ये अपने घर में अपने घर की बात क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, क्यों बेरोजगारी की मार खा रहे हैं सब लोग? आपको लगता है कि अखिलेश यादव आवाज़ उठाने में असमर्थ है? बिल्कुल असमर्थ है, मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ, असमर्थ है। और सबसे बड़ा विरोध योगी आदित्यनाथ को है कि कहते हैं कि मैं न्यायप्रिय नेता हूँ, जाते हैं वहाँ एक लोग से, मैं हम लोग खुद ही गए एक लोग से मिल के, केवल फोटो खिंचवा के लोग चले आते हैं, हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। जब हम लोग गोरखपुर जाते हैं तो हम लोग को दबंगे कह के जेल में भेज दिया जाता है, ये कैसा न्याय है इनका योगी जी का? सबसे बड़ा। और दूसरी बात सर, आप जैसे लोग आते हैं लेकिन कोई नेशनल मीडिया नहीं आती, सबसे जो है गिरी हुई मीडिया जो नेशनल मीडिया जिसको हम तीसरी यहाँ कहते हैं वो कभी नहीं दिखाती। आप लोग जैसे लोग ना हो तो हम लोग को थोड़ी भी बात ना पहुँचे, मतलब बड़े जो चैनल वाले हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। कुछ भी बात हो जाए कोई बड़ा नेता नहीं दिखाता हम लोगों की बात, कोई भी बड़ा चैनल वाला, कोई ऐसा चैनल वाला आके मुझे बोल दे कि मैंने कोई कुछ दिखाया है, कोई रोजगार की नहीं, बस वही योगी मोदी ये करो, हिंदू हिंदू हिंदुत्व, हिंदू बस हिंदू बस वही कांवरी। क्या हम लोग इसलिए बने कि कांवर लेके ढोए जाके कांवरियों पे फूल बरसाया जा रहा है? बिल्कुल कांवरियों पे फूल बरसाया, यहाँ हम लोग तो लाठी दे रहे हैं, हम लोग भी इनके एक तरह से मानो तो ये जो जीवन जिसका जो भविष्य है बच्चों का जो जीवन ये भारत का भविष्य हम लोग ही तय करेंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है कि देखिए चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यादव हो वो चाहे किसी भी समाज के लोग हों वो एक आरोप तो ज़रूर लगाते हैं, यानी अपनी मांग के साथ ही साथ समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाते हैं। मुसलमान है तो वो ये कहता है कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं अखिलेश यादव, और अब तो यादव समाज भी जो है वो अखिलेश यादव से धीरे धीरे नाराज़ हो रहा है, और वो उसका जो मोटिव है उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या अदर पार्टियों की तरफ रुझान होने लगा। यही कारण है क्योंकि अखिलेश की खामोशी और अखिलेश की तानाशाही जो है उनको ही हो सकता है ले डूबेगी। हम इस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन हमारे साथ महिला मौजूद हैं, ये हर बार हर संघर्ष में शामिल रहती हैं। मैम क्या हालचाल हैं और यहाँ पर आई क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग आए थे कि कुछ उम्मीद लेकर आए थे कि शायद हम लोग को न्याय मिल जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि इन बातों से सिर्फ आश्वासन। नाम क्या लिखती पहले नाम बताइए। मेरा नाम रीना है। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रीना वर्मा है। वर्मा है, वर्मा जी बहुत सारे लोग हैं समाज के आपके, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उनसे क्या उम्मीद कुछ लगाएंगे? मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ को उठाइए, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। 69,000 भर्ती में महाघोटाला हुआ था, तो इतने दिन आंदोलन करने के बाद एक लिस्ट आई थी, 69,000 भर्ती में 6800 की एक लिस्ट आई थी, उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, 6 महीने फिर से हम लोग मतलब परेशान हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति, क्या सरकार के कार में हमारी आवाज़ नहीं जाती है? अब तो आपके समाज के ही मंत्री हैं। बिल्कुल हमारे समाज के मंत्री हैं, लेकिन फिर भी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं किस गुरूर में बैठे हुए हैं, सत्ता का क्या घमंड हो गया है इन लोगों की, अपने जनता का ही नहीं सुनना, पिछड़े दलित के नेताओं के पिछड़े दलित का ही नहीं सुनना है। अच्छा एक है, आप शायद जान रहे होंगे सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, और जो बेरोजगार हैं जो अपने हक के लिए अधिकार के लिए यहाँ पे अपना न्याय मांगने के लिए आते हैं उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं।
मतलब जो रोजगार मांगने आते हैं, जो देश की आवाम को शिक्षा देना चाहते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बरसाई जाती हैं कि अपना हक न्याय हक अधिकार मत मांगो, जैसे हो कुछ भी मुंह मत खोलो, चुपचाप पड़े रहो, खामोश सत्रों सुनने वाला, तब तो एकदम ठीक है। अगर तुमने आवाज उठाई अपने हक अधिकार के लिए, कुछ सरकार से मांग की, तो आपको उसके लिए प्रताड़ित किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, आपके न्याय से आपको दूर रखा जाएगा। हम लोग बस सरकार से एक और क्या कारण समझते हैं, और क्या कारण समझते हैं आपकी, कारण चाहे जो भी हो, हम लोग को बस एक मांग है, हमें नियुक्ति पत्र दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप SCERT पर आई थी, यहाँ पर कुछ आश्वासन दिया गया या पहले की तरह फिर गोला बारूद ऐसे दे दिया गया? आश्वासन हमेशा मिलता है सर, आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कह सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप जब भी प्रदर्शन करने आएंगे तो शासन तो सामने नहीं आता है हमें लगता है, लेकिन प्रशासन आपके सामने आएगा और वो आश्वासन दे देगा, अरे बिल्कुल मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, आपको पलकों पे बिठा लूंगा, वही कहानी जो एक जमाने से सुनता मैं बचपन से चला रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और आपको नौकरी मिल कर रहेगी, यही आश्वासन जो है वो अधिकारी दे देते हैं। लेकिन ये बेरोजगार युवा, हालांकि ये बेरोजगार युवा जंगल से नहीं बल्कि एजुकेशन हासिल करके लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ पहुँचे हैं, और इनको बहला पाना, फुसला पाना और इनको बहका देना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो किताब पढ़ के आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ये लोग भी वही किताब पढ़ के लखनऊ पहुँचे हैं। अब ये देखना होगा कि इनके साथ सरकार किस तरीके से रवैया अपनाती है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष की क्या भूमिका होगी, विपक्ष की क्या भूमिका होगी इन लोगों के मुद्दे को देखते हुए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।